आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये पूरे चैप्टर के अंदर एलसीएम और एचसीएफ ही भरे हुए हैं, ठीक है? तो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला है। क्वेश्चन के अंदर जब छोटे मतलब 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के अंदर एचसीएफ एलसीएम ढूंढने को आते थे, वही तरीके से छोटे बच्चों के पढ़ने के तरीके से ही आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और ये छोटे बच्चों की तरह ही पढ़ना है, ये 10th क्लास में भले तुम आ गए हो पर पढ़ना तो छोटे बच्चों का ही है, ठीक है? देखो अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दोनों ढूंढने हैं हमें। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो फाइंड द एलसीएम एंड HCF। LCM का फुल फॉर्म क्या होगा? लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन में हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है? HCF का फुल फॉर्म होगा द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द LCM एंड HCF ऑफ द प्रोडक्ट LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है? समझना इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन को अच्छे से समझना सीखो, ठीक है? क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आंसर अपने आप फटाफट आ जाएगा। देखो यहाँ पे एलसीएम इनटू एचसीएफ मतलब क्या, हमारा जो एलसीएम हमें आंसर में मिलेगा और हमें एचसीएफ जो आंसर में मिलेगा वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो वो मल्टीप्लीकेशन करने से हमें एक आंसर मिलता है, वो फाइंड आउट करने को हमें इधर बोला है, ठीक है? अब देखो ऑफ द टू नंबर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 26 एंड 91। देखो तो हमें एग्जाम में भी लिखना तो आना चाहिए, तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो इधर आओ देखो स्क्रीन पर। तो एक्सप्रेसिंग बोथ नंबर मतलब कौन कौन से नंबर, एक तो 26 होगा और दूसरा 91 होगा, ठीक है? तो ये दोनों नंबर को हमें क्या करना है, एक प्राइम फैक्टर में लिखना है, ठीक है? प्राइम फैक्टर में हम कैसे लिखेंगे आगे ही सिखाया, तो जितने भी प्राइम नंबर्स हमारे हैं वो सारे प्राइम नंबर्स का यूज करके वो कौन कौन से टेबल्स में आते हैं वो हमें देखना है। तो इधर 26 दिया गया है, तो देखो 26 इधर हमें दिया गया है, तो फर्स्ट 26 उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 26 हमें ढूंढना है पहले कि कौन कौन से टेबल में आता है। तो कोई भी नंबर हो वो हर एक वन के टेबल में तो आते ही है, ठीक है? तो एक तो लिख ही देना है हमें, कोई भी नंबर हो वो एक के टेबल में तो आते ही है, तो लिख लिया एक। फिर दूसरा कौन से नंबर में आते हैं, कौन से टेबल में आता है, दूसरा वन के टेबल में, तो दूसरा वन भी लिख दो। देखो तो कोई भी नंबर हो वो वन के टेबल में तो आता ही है, ठीक है? तो इधर 26 है तो वन तो बेझिझक लिख ही देने का, आंख बंद करके कोई भी टेबल के अंदर वन तो लिखना ही है, ठीक है? तो वन फिर टू के टेबल में आता है, यूनिट डिजिट देखने का इसका, यदि इसका यूनिट डिजिट टू के टेबल में आता है तो ये नंबर टू के टेबल में आता होगा, तो यहाँ पे लिख दो नंबर टू। फिर थ्री के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में 26 नहीं आता है, 4 5 6 7 8 9 10 कोई टेबल में ये नंबर नहीं आता है, ठीक है? तो आगे डायरेक्ट जाएगा 13 13 2 जा 26, तो यहाँ पे अगेन लिख दो 13, ठीक है? तो ये तीन नंबर ऐसे हैं कि जिसके टेबल में 26 आता है। अब आगे जा रहे थे 91 91, वन के टेबल में नहीं आता, 2 3 4 किसी के टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा 7 के टेबल में, कब 13 7 जाए, ठीक है? तो एक वन तो आएगा ही, मैंने पहले जैसे बोल दिया था वन हर एक टेबल में आएगा, तो वन लिख दो। फिर क्या करना है, 7 के टेबल में आता है तो इधर लिखो 7 7, 13 जा 91, और 13 भी आएगा, 13 के टेबल में तो आता ही है ना, तो 7 और 13 दोनों टेबल के अंदर ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हमें मिले वो फैक्टर्स को लिख दो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करने को बोला है हमें, एलसीएम। एलसीएम कैसे ढूंढेंगे हमें, एलसीएम मतलब लोअर कॉमन फैक्टर। लोअर कॉमन फैक्टर हम कैसे ढूंढ पाते हैं, देखो लोअर कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, तो पहले डिफरेंस क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ का वो हमें पता होना चाहिए। लोअर कॉमन फैक्टर मतलब कि जो टर्म्स ये 26 के अंदर और 91 के अंदर सिर्फ रिपीट नहीं होने चाहिए, पर वन टाइम जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे लिखने हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 13 देखो दो बार है, 13 दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है? सिर्फ 26 एंड 91 13 दोनों के अंदर कॉमन टर्म है, तो हम उसको क्या करेंगे एक बार ही लिखेंगे वापिस, 2 1 टाइम 7 1 टाइम 1 1 टाइम, ठीक है? जो कॉमन टर्म से हम उसको एक बार लिखेंगे, कॉमन टर्म को कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है, और बाकी के बचे हुए नंबर को सबको एक बार लिख लेना, ठीक है? समझ में आ रहा है, कॉमन टर्म जो भी है उसको एक बार लिखो और
जो अलग अलग नंबर से दोनों के अंदर वो भी एक बार लिख दो, तुम्हारे जितने नंबर यहाँ पे मिलेंगे वो सबका मल्टीप्लिकेशन करो तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 182, जो एलसीएम गिना आएगा। ठीक है, अब देखो आगे HCF कैसे ढूंढेंगे, तो HCF का फुल फॉर्म क्या है, हायर कॉमन फैक्टर, जैसा नाम वैसा काम, इस ऐसा ये सम। ठीक है, तो HCF मतलब हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर क्या है, ये तो जो भी नंबर दोनों के अंदर कॉमन हो, हायर और कॉमन फैक्टर। हायर मतलब बड़ा नंबर, तो ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, जो बड़ा नंबर मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन हो, कौन सा कॉमन है, 13, तो इधर लिख दो आंसर सिर्फ 13, इधर एक ही आंसर आएगा, वो भी क्या होगा, जो दोनों के अंदर कॉमन होगा वही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा HCF हो गया, हायर कॉमन फैक्टर इज 13। ठीक है, अब आगे के सम में इसी तरीके से HCF और LCM, हर एक के अंदर HCF और LCM ढूंढना है हमें। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पे बोला था कि LCM into HCF is equal to the product of the two numbers। ठीक है, ये दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर ही होगा। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन नंबर टू का, क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, इसके अंदर क्या वही चीज फाइंड आउट करनी है, LCM into HCF is equal to product। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 510 एंड 92, दोनों का LCM ढूंढ रहा है। ठीक है, दोनों का LCM ढूंढना है, इधर LCM इधर आपको दिखाई दे रहा है, अब LCM ढूंढना है, तो LCM कैसे ढूंढेंगे, 510 का LCM आपको इधर दिखाई दिया है, फिर उसी तरह 92 का भी LCM ढूंढना है। इस तरीके से दोनों के प्राइम फैक्टर्स जो भी हमें मिल रहे हैं वो सारे प्राइम फैक्टर हमें इधर लिख देने हैं। ठीक है, फिर क्या सिखाया था आगे, कि हमें LCM फाइंड करना है। पहला क्या बोला है, LCM, LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो LCM इज इक्वल टू 510 92, LCM मतलब लोअर कॉमन मल्टीप्लीकेशन। तो लोअर कॉमन मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, कि जो भी नंबर कॉमन है पहले तो उसको एक ब्रैकेट एक सर्कल बना दो, 510 और 92 दोनों के अंदर जो नंबर कॉमन आते हैं उसको सर्कल बना दो, सर्कल बना दिया, अब जो नंबर कॉमन थे उसको सर्कल बनाया, अब क्या करना है आगे, जो कॉमन थे वो एक ही बार लिखना है। ठीक है, जो नंबर दोनों नंबर्स के अंदर कॉमन है वो एक ही बार लिखना है, बाकी बचे हुए सारे नंबर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं जिसके ऊपर सर्कल नहीं बनाया वो सारे नंबर्स एक बार ही लिखना है इधर। ठीक है, अब ये सारे नंबर के मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 23,460। ठीक है, एक तो ये मिल गया आंसर, अब देखो हायर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। हायर कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, मैंने क्या बोला था, हायर कॉमन फैक्टर मतलब दोनों नंबर्स के अंदर, दोनों नंबर्स के फैक्टर के अंदर जो भी नंबर्स हमारे सेम है वो नंबर को वन टाइम लिख लेना है। ठीक है, तो हमारा हायर कॉमन फैक्टर भी मिल जाएगा। अब क्या बोला है, अगेन इंटीजर्स फाइंड आउट करने थे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया, आगे वेरिफिकेशन भी बोला है, वेरीफाई भी करना है हमें इधर, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो वेरिफिकेशन किससे करना है, ये इक्वेशन जो बताया इधर, क्या LCM और HCF करना है इसका। ठीक है, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, LCM और HCF का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो हमें LCM का आंसर मिला ये और HCF का आंसर मिला 2। ठीक है, अब दोनों का इधर देखो मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन कर दिया 23,460 इंटू 2, तो आंसर हमें मिल गया 46,920। उसी तरह प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब ये हमारे दो नंबर थे तो उसका भी मल्टीप्लीकेशन 510 इंटू 92, तो इसका आंसर मिल गया। देखो दोनों नंबर सेम है, यदि दोनों नंबर सेम है तो हमारा वेरिफिकेशन मतलब हमारा जो जस्टिफाई हमें पूछा गया था, वेरीफाई करने को पूछा गया था, वो दोनों हमारा सेम हो गया। ठीक है, तो इसके बेस पर अब थर्ड क्वेश्चन वापिस इसी की तरह सेम LCM और HCF हमें आ जाएगा, तो ये पूरा सम इजीली हमें हम सॉल्व कर सकेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, वही चीज LCM और HCF फाइंड करनी है। LCM किसका, 336 एंड 54, ये दो नंबर का हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो वही चीज एक्सप्रेसिंग बोथ नंबर इज प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर इसके भी हमें ढूंढना है, तो प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे इसके, तो प्राइम फैक्टर कैसे, 336 का LCM ढूंढो।
ठीक है, ये एलसीएम जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिए गए नंबर वो लिखो इधर। अब 54 के प्राइम फैक्टर पे हमें ढूंढने हैं, ठीक है, तो 54 का एलसीएम देखो, 54 का एलसीएम के जो भी प्राइम फैक्टर नंबर इधर दिए गए हैं वो सारे नंबर इधर अंदर लिखो, ये नंबर लिख लिए सारे। अब इसके अंदर जो भी कॉमन टर्म्स है, ठीक है, जैसे उसको पहले सर्कल बनाओ, जैसे इधर टू कॉमन टर्म है, दोनों 336 और 54 दोनों के अंदर टू है तो दोनों के टू कॉमन ले लिए हमने, ठीक है। फिर इसके अंदर दोनों के अंदर क्या, थ्री थ्री भी कॉमन है देखो, ठीक है, दोनों के अंदर थ्री थ्री कॉमन ले लिए, ठीक है, और इधर वन वो भी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, जो कॉमन टर्म है उसको अभी वन टाइम लिखेंगे हम, ठीक है, जो भी कॉमन टर्म है उसको हम वन टाइम लिख लेंगे इधर टू, तो उसको टू को वन टाइम लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है देखो, जो बाकी बचे हुए नंबर जिसको हमने सर्कल नहीं बनाया वो सारे टर्म्स इधर वन टाइम लिख दो। देखो टू 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 थ्री टाइम्स बचे टू, तो इधर थ्री टाइम्स टू लिख लिया, ठीक है। दो तीन बार बचे तो हमने दो को इधर तीन, दो तीन बार बचे तो दो को हमने तीन बार लिख लिया। फिर सेवन तो सेवन को एक बार लिख लिया हमने, ठीक है। अब नीचे देखो थ्री थ्री कितने टाइम, थ्री टाइम्स, तो इधर थ्री पावर थ्री इंटू सेवन वन टाइम बचा था तो वो तो लिख लिया हमने। ये सारे नंबर्स की अब जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा हमें, 3024 ये नंबर मिल गया। उसी तरह हम एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। हायर कॉमन फैक्टर हमें कैसे मिलेगा, तो देखो हायर कॉमन फैक्टर क्या बताया था, जो सर्कल किए गए नंबर से वो उसका मल्टीप्लिकेशन, तो वो वन टाइम लिखना है। इधर टू कॉमन है दोनों के अंदर तो टू लिख लिया, इधर थ्री कॉमन है तो थ्री लिख लिया, ठीक है। अब थ्री टू जा सिक्स तो हमें इधर आंसर सिक्स मिल गया, तो ये हो गया हायर कॉमन फैक्टर ऑफ द 336 एंड 54। अब इसको वेरीफाई करना है हमें, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई देयर तो ये इक्वेशन के ऊपर से एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब हमारे जो गिवन नंबर है दो वो हमारे प्रोडक्ट हो गए, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करो पहले, उसका मल्टीप्लिकेशन करते तो आंसर मिलता है हमें 18,144। नेक्स्ट अब देखो एलसीएम इनटू एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगेन करना है, तो ये दोनों एलसीएम हमारा कितना मिला है 3024 और एचसीएफ कितना मिला है हमें 6, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो वापिस तो दोनों का आंसर हमें सेम मिलेगा। ये दोनों आंसर देख लो, ये दोनों आंसर हमें सेम मिल रहे, यदि दोनों आंसर सेम है तो हमें वेरीफाई करने का बोला गया, तो यस दिस इज राइट।